हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलवेज बी पॉजिटिव। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग में कैसे क्रिएट होता है, मतलब हमारे दिमाग के अंदर जो ओवरथिंकिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें। आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और गहराई से समझे। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि थॉट, विचार या ख्याल जो हमारे दिमाग में क्यों आता है, इसका मेन कारण क्या है। देखिए, कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन, वो पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, उससे हमारे थॉट क्रिएट होता है। कोई भी इवेंट हो गया, उससे हमारे थॉट क्रिएट होता है, विचार आता है। ये विचार नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो ये विचार जो ये थॉट जो आते हैं, ये ज़्यादातर इसका बैकग्राउंड नेगेटिव होता है। तो आप जैसे थॉट आपका दिमाग में क्रिएट हुआ, उसी हिसाब से क्या है, आपका इमोशन क्रिएट होता है। देखिए, ये जो इमोशन है ये दो तरह का होता है, एक नेगेटिव इमोशन, एक पॉजिटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन जैसे आपका एंगर, फियर, जेलसी, हेट, ये सब क्या है, आपका नेगेटिव इमोशन है। पॉजिटिव इमोशन लव, जॉय, हैप्पी, ये सब पॉजिटिव इमोशन है। देखिए, आपका जो थॉट है, थॉट तो नेगेटिव है क्योंकि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ जो इमोशन क्रिएट होगा वो भी आपका नेगेटिव होगा। और जैसे आपका नेगेटिव इमोशन होगा, उसी हिसाब से आप क्या, आपका बॉडी भी उसी हिसाब से फील करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखिए, आपका कुछ ख्याल आया पास्ट का, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हो गया, तो उसी के बारे में सोच रहे, तो उसके बारे में सोचेंगे तो क्या है, वो नेगेटिव थिंकिंग है। उसी के हिसाब से आपका जो इमोशन आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, आपका शरीर में गुस्सा आएगा, तो उसी हिसाब से आप क्या गुस्सा फील करेंगे, तो आपका बिहेवियर भी है, तो आपके फीलिंग्स के साथ आपका बिहेवियर भी क्या है, चेंज हो जाएगा। गुस्से में क्या होता है, आपका आंखें, चेहरा लाल हो जाएगा, और उसी हिसाब से आपका क्या है, जो रिजल्ट, बिहेवियर से आपका रिजल्ट आएगा। तो देखिए, पहले आपका क्या थॉट आया, थॉट से क्या है, आपका इमोशन आया, इमोशन से फीलिंग्स से आपका बिहेवियर से आपका क्या है, रिजल्ट। जैसे आप बिहेवियर होगा उसी हिसाब से आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप जब गुस्से में रहते, अचानक किसी को कुछ बोल दिए, भला बोला बोल दिए, तो ये क्या आपका रिजल्ट है, आपका दिमाग उस टाइम आप सोचने की क्षमता कम हो जाता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो क्यों होता है ये उसका थॉट से है, मेन कारण है उसका थॉट। तो ओवरथिंकिंग में यही होता है कि आप जब सोचते हैं तो वो नेगेटिव मत सोचिए। बताइए, इतना छोटा सा गुस्से में आदमी का बॉडी का इतना बड़ा चेंज हो सकता है, तो वो पूरे दिन अगर उसी के बारे में सोचेंगे, मान लो कि उसके साथ जो पास्ट में गलत हुआ उसी के बारे में सोचेंगे, वो हमेशा गर्म ही रहेगा, तो उसका एटीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, तो किसी के साथ भी उसका व्यवहार कैसे होगा, बोलेगा कि ये आदमी का व्यवहार देखिए, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, इसके अंदर गुस्सादार आदमी रहेगा। तो ये आपका बिहेव को इफेक्ट करता है, आपका सोशल लाइफ को भी खराब करता है ओवरथिंकिंग। उसी के बारे में रात को भी सोचेंगे तो आपका रात को भी नींद नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है कि जो आपका थॉट, सबसे पहले जो इवेंट आपके दिमाग में आ रहा है, वहां से जो थॉट, एक नेगेटिव थॉट, एक पॉजिटिव थॉट, उसको क्या पहले ही रुके, उधर ब्लॉक कीजिए, फास्ट उसको ब्लॉक कीजिए, या तो उसको अगर आप ब्लॉक नहीं कर पाते तो उससे आप डाइवर्ट, उस थॉट को आप डाइवर्ट कीजिए किसी अलग जगह पर, खुद को बिजी रख के कुछ भी कर सकते हैं, मेडिटेशन करके, कोई नया काम शुरू करके दिमाग को बिजी रखिए, अपने आप को बिजी रखिए। हमेशा सोचिए कि फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में सोच कर क्या करें, जो होना था वो हो गया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होगा वो ऑलवेज अच्छा ही होगा, ऑल इज वेल। तो ऐसा सोचे कि जो होगा अच्छा के लिए होगा, ऐसे सोचे। और क्या है, अब फ्यूचर का जो या पास्ट का जो चीज़ है, आपके साथ जो गलती हुआ है, उसको क्या आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको मान लीजिए, ठीक है जो भी होगा उसको चेंज तो नहीं कर सकते, जो बोल दिया तो बोल दिया, उसको मान लीजिए,
उसके बारे में मत सोचिए, ज्यादा मत सोचिए, तो ऑटोमेटिक क्या है आपका जो पैटर्न पॉजिटिव पैटर्न बन जाएगा दिमाग का। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।